Ever Dream This Man, ये मिस्ट्री 2006 से चलती आ रही है, जिसे अभी तक कोई सॉल्व नहीं कर सका। ये आदमी जिस पर ये इल्जाम लगा कि वो लोगों के सपनों में घुस जाता है, धीरे धीरे दुनिया भर के तमाम लोग इसे सपने में देखने लगते हैं और किसी के पास कोई जवाब नहीं होता कि आखिर ये है कौन। इसे लगभग दुनिया के हर शहर में ढूंढा जाता है, लेकिन इस आदमी का कुछ पता नहीं चलता। सब इस कंक्लूजन में आ जाते हैं कि दिस मैन डज नॉट एग्जिस्ट। इस आदमी की वजह से कई लोग मेंटल ट्रॉमास में जाने लगते हैं, क्योंकि ये उनके सपने में हर रोज उन्हें दिखता है। आज हम बात करेंगे दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट हीटेड टॉपिक्स पर, हैव यू एवर ड्रीम दिस मैन। 2008 में इटालियन मार्केटर एंड्रिया नटेला ने एक वेबसाइट क्रिएट की जिसका नाम था एवर ड्रीम दिस मैन। उसमें इन्होंने एक ऐसे इंसान के बारे में बताया जिसे 2006 से दुनिया भर के लोग अपने सपने में देख रहे थे। लंदन, रोम, ढाका, न्यू दिल्ली, कराची, टोक्यो और ऐसे 28 शहरों से ये कंप्लेंट्स आने लग गई कि बहुत सारे लोग इस इंसान को अपने सपने में देख रहे हैं। सेक्स क्राइम, रोमांस, वॉयलेंस, करप्शन और ऐसी कई सिचुएशंस में लोग इसे अपने सपने में देख रहे थे। कई लोगों का तो ये भी मानना था कि जिसे वो अपने सपने में देख रहे हैं वो ब्राजील का एक स्कूल टीचर था जिसके दाएं हाथ में 6 उंगलियां थी। ये खबर 2009 में बहुत वायरल हुई क्योंकि इसके रेफरेंसेस पॉपुलर टीवी शोज, फिल्म्स और कॉमिक्स में भी आने लग गए थे, जैसे द एक्स फाइल्स और मांगा सीरीज। वाइस, एक कनेडियन अमेरिकन मैगजीन कंपनी ने इस मिथ को बहुत सीरियसली लिया और एंड्रिया नटेला को इंटरव्यू पर बुलाया, जिसमें एंड्रिया ने बताया कि उसने दिस मैन को जब पहली बार सपने में देखा तो वो उसे नहीं जानता था और दिस मैन ने उसे एक वेबसाइट ही नहीं बल्कि उसका एक स्केच भी बनाने के लिए कहा, क्योंकि दिस मैन को खुद का अपीयरेंस कैसा था ये बिल्कुल मालूम नहीं था। ऐसा ह्यूमन कभी आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ जो दिस मैन की तरह दिखता हो। लेकिन एंड्रिया को कई ईमेल्स और लेटर्स आए जिसमें लोगों ने दिस मैन को एक फिक्शनल कैरेक्टर से मेल खाता हुआ बताया। ट्विन पीक्स नाम की सीरीज में एक कैरेक्टर है, द मैन फ्रॉम अनदर प्लेस, जो बिल्कुल दिस मैन की तरह दिखता है। ऐसी ही द ट्विलाइट जोन नाम की एक सीरीज का कैरेक्टर द डमी भी दिस मैन की तरह ही दिखता है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने विदाउट एविडेंस क्लेम करना शुरू कर दिया कि वो दिस मैन है, जिनमें से एक थे इंडिया के अरुत कन्नन अय्या गुरुजी। thisman.org नाम की एक साइट पे ये चल रहे फिनोमेना की 5 अलग थियोरी सजेस्ट की गई। पहली, दिस मैन एक एग्जांपल है कालजंग के कॉन्सेप्ट अनकॉन्शियस माइंड का, जिसमें डिफिकल्ट टाइम्स में हमारा दिमाग अपने आप इमेजेस पोर्ट्रे करने लगता है। दूसरा, दिस मैन जहां तक भगवान हो सकता है। तीसरा, एक मेंटल कंडीशन की वजह से मल्टीपल लोग सेम इंसान को अपने सपने में देख पा रहे हैं। चौथा, कुछ लोग दिस मैन को तभी अपने सपने में देख पा रहे थे जब उन्हें दूसरों से इसके बारे में पता चल रहा था। और पांचवा, सपनों में देखे हुए चेहरों को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए लोगों का दिमाग नटेला का बनाया स्केच यूज कर रहा था। ये स्टोरी 2006 से 2009 तक लोगों तक पहुंचती रही, लेकिन अक्टूबर 2009 में ये बात पूरे इंटरनेट और प्रेस मीडिया में आग की तरह फैलने लग गई। नटेला की साइट पर 2 मिलियन से ज्यादा विजिट्स हुई और नटेला को 10,000 से भी ज्यादा ईमेल्स आए, जिसमें लोगों ने दिस मैन के साथ अपना एक्सपीरियंस और दिस मैन की तरह दिखने वाले लोगों की फोटो शेयर की थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि एक साथ अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग लोगों ने एक ही आदमी को अपने सपने में देखा हो, या फिर कोई ऐसा आदमी था जो दिस मैन को सभी लोगों तक पहुंचा रहा था और उनके सपनों में उसे दिखा रहा था। दिस मैन की इतनी पॉपुलैरिटी होने के बाद कई लोगों और कंपनियों ने इस बात पे ये कहा कि ये डीपली प्लान्ड गोरिल्ला मार्केटिंग स्टंट हो सकता है। फिर पता चला कि जो कंपनी thisman.org नाम की साइट चला रही थी, उसी कंपनी की और एक साइट थी जिसका नाम था gorillamarketing.it, और इस साइट पर फेक एडवर्टाइजमेंट्स, पोर्नोग्राफी और बियर्ड आर्ट डिजाइंस पोस्ट होती थी। बाद में इस साइट को बंद कर दिया गया। कुछ लोगों ने इस स्टेटमेंट को अनवेरिफाइड और लेस ऑफ रियल फैक्ट्स कहकर झुठला दिया। 2010 में आर्ट एजेंसी नाम की एक साइट पर एक पोस्ट आती है जिसमें दिस मैन को कम्प्लीटली एक मार्केटिंग स्टंट बताया जाता है, और ये पोस्ट एंड्रिया नटेला की पार्टनरशिप में डिजाइन की गई थी। सेम पोस्ट फिर 2012 में एक पॉपुलर न्यूज़पेपर में भी पब्लिश की गई,
विद द हेडलाइन वायरल के मार्केटिंग, जिसमें ये क्लियर कह दिया गया था कि ये एक मार्केटिंग स्टंट था। नटेला ने ये तो बता दिया कि ये एक मार्केटिंग स्टंट था, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि आखिर ये उन्होंने क्या प्रमोट करने के लिए किया था। द डेली डॉट जैसी कई मीडिया कंपनीज ने ये कंफर्म करके बताया कि ये स्टंट ब्रायन बर्टिनो की एक फिल्म को प्रमोट करने के लिए किया गया था, जिसका कभी कुछ पता चला ही नहीं। ब्रायन बर्टिनो जाने जाते हैं उनके फेमस क्रिएशन द स्ट्रेंजर्स फिल्म के लिए, जिसके वो राइटर और डायरेक्टर हैं। कुछ टाइम बाद घोस्ट हाउस पिक्चर्स, जिसने एविल डेड, डोंट ब्रीथ, द पोजीशन जैसी कई फिल्म्स प्रोड्यूस की हैं, इन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट दिया कि वो दिस मैन पर एक फिल्म बना रहे हैं, जिसके राइटर डायरेक्टर उन्होंने ब्रायन बर्टिनो को ही साइन किया है। ये सारी मिस्ट्री सॉल्व तो हो गई, लेकिन अभी भी दिस मैन की सपने में आने की दिक्कत खत्म नहीं हुई है। कई लोग आज भी शिकायत करते हैं कि वो दिस मैन को अपने सपने में देख रहे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस मिस्ट्री के पीछे और क्या रीजंस हो सकते हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिस्टर क्यूरियस को। जल्द ही लौटेंगे और एक दिलचस्प मिस्ट्री के साथ।